हाउ आर यू क्लास सेकंड, वेलकम टू द श्री खेतेश्वर इंग्लिश अकेडमी। आज हम आपके हिंदी में चैप्टर 10 पढ़ेंगे। आपके चैप्टर 10 का नेम है खिड़की, हवा, मछली और मैं। खिड़की, हवा, मछली और मैं। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा खिड़की है, खिड़की में हवा चल रही है, मछली है, क्या है, मछली और एक लड़की बैठी है। तो चैप्टर का नेम क्या है, खिड़की, हवा, मछली और मैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। शाम का सुहाना मौसम था, शाम का सुहाना मौसम था, उस दिन घर में मैं अकेली थी। मैंने कुर्सी उठाई और मेज के पास वाली खिड़की पर जाकर बैठ गई। इस चैप्टर में एक लड़की है, उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या बोलती है कि शाम का सुहाना मौसम था और उस दिन घर में वो लड़की क्या थी, अकेली थी। मैंने कुर्सी उठाई, वो लड़की बोलती है मैंने कुर्सी उठाई, मेज के पास वाली खिड़की पर मैं जाके बैठ गई। मेज पर रखा हुआ शीशे का चौकोर सा डिब्बा चमक रहा था। मैंने खिड़की खोली, खिड़की के खुलते ही हवा अपनी तेज तर्रार अदाओं के साथ कमरे में दाखिल होने लगी। उसने क्या बोला कि मैंने ना खिड़की खोली, जैसे खिड़की खोली तो हवाएं जो है ना बहुत तेज तर्रार अपनी अदाओं के साथ क्या हो गई, होने लगी, कमरे के अंदर आने लगी। जब बाहर तेज हवा चलती है और हम खिड़कियां खोल देते हैं तो वो हवा हमारे रूम के अंदर तक आती है, आती है ना, तो बस वही बता रही है वो। खिड़की के शीशे पर आती मछली के डिब्बे की चमक ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। ये क्या बोल रही है कि खिड़की के शीशे पर मछली के डिब्बे की क्या आ रही थी, चमक आ रही थी, तो वो चमक देखकर उसका ध्यान कहाँ गया, मछली के डिब्बे की तरफ गया। मैं उसे निहारने लगी, वो क्या करने लगी, मछली के डिब्बे को देखने लगी। उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी, क्या बोल रही है, उसमें क्या कर रही थी, रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी, और एक मैं थी कि बस उन्हें निहारे ही जा रही थी। क्या बोल रही है कि वो जो डिब्बा था ना जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थी, और एक मैं थी जो उन्हें क्या कर रही थी, निहारे जा रही थी। किनको, मछलियों को, निहारना मीन्स देखना, देखते ही जा रही थी। अंदर रखी मछली कभी एक दूसरे के आगे आती तो कभी पीछे, अंदर रखी मछली क्या हो रही थी, कभी एक दूसरे के आगे आती तो कभी एक दूसरे के पीछे। ऐसा लग रहा था मानो मछलियाँ रेस लगा रही हो, कैसा लग रहा था, जैसे मछलियाँ क्या लगा रही हो, रेस। वो क्या बोल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मछलियाँ रेस लगा रही हो, कोई आगे जा रही है, कोई पीछे आ रही है, कोई फिर आगे जा रही है, कोई फिर पीछे आ रही है। उसमें मछलियों के साथ बुलबुले भी दिखाई दे रहे थे, उसमें मछलियों के साथ क्या दिखाई दे रहे थे, बुलबुले। हवा अपने आप में जोर शोर से चल रही थी, हवा क्या कर रही थी अपने आप में, हवा तो तेज पहले से चल रही थी, तो ये बोलती है हवा अपने आप में जोर शोर से चल रही थी, तेज चल रही थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि लगता है मछलियों को गर्मी लग रही है, एक पल के लिए उसने सोचा कि लगता है गर्मियों को क्या, सॉरी मछलियों को क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, मछलियों को गर्मी लग रही है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए मछलियों को खोल दूँ। ये क्या बोलते हैं, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इन मछलियों को थोड़ी देर खोल दूँ, आखिरकार उन्हें भी तो अच्छी हवा खाने का हक है। ये क्या बोलते, मछली उस डिब्बे में बंद थी ना, तो ये बोलते कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इन मछलियों को खोल दूँ क्योंकि मछलियों को भी तो हवा खाने का हक है। यह सोच मैंने उन्हें खोल दिया, यह सोच उसने क्या किया, डिब्बे को खोल दिया, और वे सब मुझे धन्यवाद देते हुए खिड़की से बाहर हवा में उड़ने लगी। और वो मछलियाँ जो थी वो क्या करने लगी, उस लड़की को धन्यवाद देते हुए खिड़की के बाहर हवा में उड़ने लगी और सामने नदी में चली गई। और सामने कहाँ चली गई मछलियाँ, नदी में चली गई, डिब्बे से निकल के नदी में चली गई। तो ये आपका चैप्टर 10 था, खिड़की, हवा, मछली और मैं। इस चैप्टर में चार चीज़ें थी, एक खिड़की थी जिससे हवाएं तेज़ दरार हवाएं घर के अंदर आ रही थी, ठीक है, और हवा खिड़की, हवा, फिर मछली क्या थी, वो जो अंदर उस डिब्बे में तैर रही थी, तो मछली का भी इसमें बताया गया है। और लास्ट इसमें एक लड़की है जो अपने बारे में भी बता रही है कि मैं घर में अकेली थी, मैंने मछली को देखा, मैंने सोचा कि मछली को भी हवा खाने का हक है। और मछली का क्या बताया कि जैसे उसने दरवाज़ा खोला, वो ढक्कन खोला, मछली क्या हो गई,
हवा के साथ बाहर आई और समुद्र में चली गई। अब हम करेंगे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आपको शब्दार्थ करना है, तो देखो सुहाना का शब्दार्थ क्या होगा? प्यारा। निहारना का शब्दार्थ क्या होगा? एक तक देखना। दाखिल का शब्दार्थ होगा अंदर आना। आखिरकार का शब्दार्थ होगा अंत में। तेज तर्रार का शब्दार्थ होगा जोर से। आइडिया का शब्दार्थ होगा युक्ति या उपाय। और दिमाग का शब्दार्थ होगा मस्तिष्क। क्या होगा? मस्तिष्क। अब इसके ओरल क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ओरल क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोलना है, लिखना नहीं है। ये वाला ओरल क्वेश्चन देखो आप। पहला का देखो, ये वाला। मेज पर क्या रखा था? मेज पर चौकोर शीशा रखा था। डिब्बे में क्या था? ख वाला देखो, ये डिब्बे में क्या था? डिब्बे में मछलियाँ थी। मछलियाँ क्या कर रही थी? मछलियाँ तैर रही थी। क्या कर रही थी? तैर रही थी। ये तीनों हो गए। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन टू। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। डिब्बा कैसा था? चौकोर। कैसा था डिब्बा? चौकोर था। तो देखो इसमें क्या दे रखा है? गोल, आयतकार, चौकोर या वृत्ताकार। तो डिब्बा चौकोर था, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड राइट है। लिखो चौकोर। फिर नेक्स्ट देखो ख। ख में क्या बोल रहा है ये? डिब्बा किसका बना था? डिब्बा किसका बना था? शीशे का, कपड़े का, प्लास्टिक का या मिट्टी का? तो डिब्बा बना था शीशे का। किसका बना था? शीशे का। शीशा मीन्स कांच, कांच का डिब्बा बना था। फिर देखो ये क्या बोल रहा है ग वाला, देखो इसमें ये क्या बोलता है? तेज तर्रार अदाओं के साथ अंदर कौन आई? तेज तर्रार अदाओं के साथ अंदर कौन आई? चिड़िया, हवा, बारिश या प्रकाश? हवा आई। क्या आई? हवा। तो इसमें आएगा फर्स्ट, हवा बाहर आई। तेज तर्रार के साथ कौन आई थी? हवा। कर लिया सबने? सबने कर लिया ये? ओके, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पेज पे चले। ये रहा मछलियाँ कहाँ चली गई? तालाब में, समुद्र में, नदी में या पेड़ पर? मछलियाँ कहाँ चली गई थी? मछलियाँ चली गई थी सामने नदी में। कहाँ चली गई थी? सामने नदी में। तो यहाँ पे ये वाला आएगा नदी में। अब देखो आपका थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शाम का सुहाना मौसम था। शाम का क्या था? सुहाना मौसम था। मैंने मौसम लिख रखा है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में। मैंने खिड़की खोली। मैंने ख में आपके क्या आएगा इसमें? मैंने खिड़की खोली। खिड़की मैंने लिख रखा है। मछली के डिब्बे में चमक ने मेरा ध्यान खींचा। मछली के डिब्बे की चमक ने मेरा ध्यान खींचा। ये आपका ग है। फिर आपका ख, घ देखो ये रहा। ऐसा लग रहा था मानो मछलियां रेस लगा रही हो। ऐसा लग रहा था मानो मछलियां रेस लगा रही हो। फिर आपका लास्ट ड देखो। हवा अपने आप में जोरों शोरों से चल रही थी। हवा अपने आप में जोरों शोरों से चल रही थी। तो ये थे आपके शब्दार्थ, सॉरी रिक्त स्थान। तो देखो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क में आएगा मौसम, ख में आएगा खिड़की, ग में आएगा चमक, घ में आएगा मछली और ड में सबसे लास्ट में आएगा हवा। क्या आएगा? हवा। फिर अगला क्वेश्चन देखो फोर्थ। सही मेल मिलाओ। सही मेल मिलाओ। तो मौसम सुहाना, मौसम का क्या हो जाएगा? सुहाना। मैंने यहाँ पर मिला रखा है मौसम सुहाना। डिब्बा चौकोर। डिब्बा क्या था? चौकोर था। मौसम सुहाना था। हवा तेज तर्रार से खिड़की के अंदर आ रही थी। तो तेज तर्रार हवा का, मछलियों का क्या होगा? रंग बिरंगी। मछलियों का क्या होगा? रंग बिरंगी। तो मेल मैंने यहाँ पे मिला रखा है। आपको ये देख के अपनी बुक में इसको मिलाना है। आपको आपकी नोटबुक में सिर्फ शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करना है। रिक्त स्थान, सही सही ऑप्शन पे टिक वगैरह ये आपको नहीं करना है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ जो क्वेश्चन टू है वो आपको नहीं करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आपका फाइव। सही या गलत लिखो। इसमें क देखो आप, क का सबसे पहले क्या दे रखा है? शाम को सुहाना मौसम था।
तो हाँ, शाम को सुहाना मौसम था, तो ये सही है, तो मैंने यहाँ पे सही लिखा है। फिर डिब्बे में रंग बिरंगे मेंढक तैर रहे थे, ख वाला, ये डिब्बे में रंग बिरंगे मेंढक तैर रहे थे, नहीं मेंढक नहीं तैर रहे थे, क्या तैर रही थी, मछलियाँ तैर रही थी। तो ये आपके क्या हो गया, गलत हो गया, मैंने गलत लिखा है, ये देखो। फिर ग देखो आपके क्या बता रहा है, ये ग क्या बोल रहा है, मछलियों के साथ बुलबुले भी दिखाई दे रहे थे, मछलियों के साथ बुलबुले भी दिखाई दे रहे थे, तो सही, मछलियों के साथ बुलबुले दिख रहे थे, तो इसमें लिखो सही। फिर घ आपके मछली के डिब्बे का ढक्कन खोल दिया, मछली के डिब्बे का ढक्कन खोल दिया, तो ये होगा राइट, नहीं सॉरी रॉन्ग, गलत, मछली के डिब्बे का ढक्कन थोड़ी खोला था। यहाँ पे आपके पूरे चैप्टर में मछली के डिब्बे का ढक्कन ढक्कन कहीं दे ही नहीं रखा है, उसने बोला कि मैंने मछली को खोल दिया, क्या बोल रही है वो, मैंने मछलियों को खोल दिया, मछली के डिब्बे को नहीं खोला था। नेक्स्ट देखो, आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्वेश्चन सिक्स, ये रहा आपका क्वेश्चन सिक्स, पहले आपको शब्दार्थ करना है। क्वेश्चन सिक्स देखो क्या है, क आपका क्या बोल रहा है, ये आपका क्वेश्चन वन, खिड़की खुलते ही क्या हुआ, खिड़की खुलते ही क्या हुआ, तो इसका आंसर है खिड़की खुलते ही हवा अपनी तेज तर्रार अदाओं के साथ कमरे में दाखिल होने लगी, खिड़की खुलते ही हवा अपनी तेज तर्रार अदाओं के साथ कमरे में दाखिल होने लगी। उसके बाद आपका ख देखो, मछलियाँ क्या कर रही थी, मछलियाँ क्या कर रही थी, मछलियाँ तैर रही थी, मछलियाँ क्या कर रही थी, मछलियाँ तैर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप, ग क्वेश्चन क्या है, डिब्बा खुलते ही मछलियों ने क्या किया, डिब्बा खुलते ही मछलियों ने क्या किया, डिब्बा खुलते ही सब मछलियों ने उस लड़की को धन्यवाद कहा, डिब्बा खुलते ही सब मछलियों ने उस लड़की को धन्यवाद कहा और खिड़की से बाहर हवा में उड़ने लगी और सामने नदी में चली गई, खिड़की से बाहर हवा में उड़ने लगी और सामने नदी में चली गई। क्या मछलियाँ उड़ सकती है, नहीं मछलियाँ नहीं उड़ सकती। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, क्या मछलियाँ उड़ सकती है, तो इसका होगा नहीं, मछलियाँ नहीं उड़ सकती। एक बार आप वापस पीछे आओ, यहाँ पर आपके क्वेश्चन फाइव में देखो, क्वेश्चन फाइव का सबसे लास्ट है सही या गलत, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आप गलत नहीं, यहाँ पे आप लिखो सही, क्या लिखोगे, मछली के डिब्बे का ढक्कन खोल दिया, तो यहाँ पे लिखो आप सही, क्या लिखोगे, सही 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 लिखो आप, गलत की जगह क्या लिखोगे, सही लिख लिया सबने। ओके, तो आज का इतना ही वर्क था आपका, क्या करोगे आप, शब्दार्थ लिखोगे और क्वेश्चन आंसर करोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच करना, सही गलत, ये सब आप अपनी बुक में लिखोगे, किस में लिखोगे, बुक में, जो आपकी स्कूल की बुक है उसमें आप रिक्त स्थान, सही गलत लिखो, सही आंसर पर सही का टिक लगाओ, ये सब आप अपने बुक में लिखोगे और आप अपनी नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करोगे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।